names. Chali, let's start with the naming part of the organic compounds. तो मैंने आपको homework में ये दिया था. चलिए बेटा, इसका नेम बताइए. रिपीट करो सहज. 3-chloro, 5-fluoro. ठीक है, नेमिंग किस तरफ स्टार्ट करें? नंबरिंग यहां से 1, 2, 3, 4. किधर को लेके जाऊं? 5, 6 and 7. तो ऐसे आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है 7 की. अगर आप ऐसे डायरेक्टली जाओगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 की मिल रही है. ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई है. आफ्टर सेलेक्टिंग दिस लॉन्गेस्ट चेन, मेरे पास ये और ये दो जो हैं वो क्या हैं? साइड ग्रुप्स आ गए. ठीक है जी, तो फर्स्ट साइड ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है? 3-chloro है. ठीक है, 5-fluoro है. C पहले लिखेंगे, 5-fluoro. आगे कौन कौन सी पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं? एक 3 पोजीशन पे, एक 5 पोजीशन पे. सो 3, 5 डाइमिथाइल, आगे हेप्टेन, क्योंकि 7 की चेन है तो हेप्टेन. ओके, ठीक है बेटा, क्लियर है? उसके बाद लिखिए. अब हम फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, राइट डाउन. इसकी नेमिंग करो. अब इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो प्रेफरेंस हमने किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को देनी है. ठीक है, रमनजीत नेम बताओ उसका. डाइमिथाइल. डाइमिथाइल भी बोला, नंबर एक बोल रहे हो. 4, 4, 4 डाइमिथाइल. पेंटटोल. सिंगल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए? सिंगल बॉन्ड लगे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए तो वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, राइट? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए. ओके, सो हमारे कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं किस पोजीशन पे लगे हुए हैं? 4th पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. ठीक है, ये चेन हमने सेलेक्ट की है लॉन्गेस्ट चेन, तो 4, 4 डाइमिथाइल. इसके बाद वर्ड रूट इज पेन. सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन. ठीक है, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद हमने ये पोजीशन मेंशन करनी है. 1, 1 एल्कोहल है तो ओल ग्रुप लगा हुआ. सॉरी, 2O सेकेंड पोजीशन पे है तो 2O. आ जाइए बेटा. ओके, चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन. इसका बताओ बेटा. इसकी नेमिंग बताइए अभी. सो दैट इज 4-methyl.
टू मिथाइल, अब टू क्यों बोला? अब टू क्यों बोला? सो अगर आप यहां से स्टार्ट करते, अगर आप यहां से स्टार्ट करते नंबरिंग, तो भी इसको तो थ्री नंबर मिल ही रहा है, फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर मिल रहा है, बट हमने इस साइड सब्स्टिट्यूएंट को भी तो देखना है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती तो इसको फोर मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो इसको टू मिल रहा है, तो हमने कम वाला जो है वो प्रेफर करना है। ओके, हाँ जी, नाम बोलिए। अब दिस इज टू मिथाइल पेन। पेंटेन थ्री ओन, वेरी गुड। सो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन। तो कीटोन में हम ओन लगाते हैं ना वर्ड, ठीक है, तो थ्री ओन लिखा है इसे, राइट। अब ये कीटोन जो था वो तो सेंटर में था, इसलिए हमने इजीली उसको काउंट कर लिया, बट इन केस जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, एल्डिहाइड हो गया, एसिड्स हो गए, ये अगर टर्मिनल पोजीशंस पे हैं, यानी कि साइड पोजीशंस पे हैं, तो आपने नंबरिंग उनकी वहीं से स्टार्ट करनी है। ओके, इन दिस केस द कीटोन इट वाज इन द सेंटर ऑफ द चेन, मिडल में था, चेन के बीच में ही था, बट अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे आ रहे हैं जो चेन की साइड पे हैं, तो आपने उनकी नंबरिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट करनी है बाय काउंटिंग देयर दिस कार्बन, ठीक है। हमने इनका ये कार्बन जो है वो काउंट भी करना है, सो राइट डाउन। चलिए स्टार्ट डूइंग इट। हाँ जी पुत्र, टू इथाइल, ओके राइट है। हाँ जी, और एनीवन एल्स हु हैज डन द नेमिंग? अभी मैंने जो बताया उसके बेसिस पे करो, जो आपने नंबरिंग है वो यहां से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करने के बाद देखो लॉन्गेस्ट चेन किधर ली साइड बन रही है, विच साइड शुड आई मूव, इस साइड के इस साइड, इस साइड मूव करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पे है? थ्री। ये कौन सी पोजीशन पे है? टू। लिखो पहले इथ आएगा कि पहले मिथ आएगा? अल्फाबेटिकली इथ आएगा पहले। कौन सी पोजीशन पे है? टू इथाइल। ये कौन पोजीशन पे है? थ्री। तो थ्री मिथाइल, टू इथाइल, थ्री मिथाइल। आगे चेन कितने की है? पांच की। तो पेन टेन वन अल भी लिख सकते हैं या पेंटेन अल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या नेमिंग है? टू इथाइल थ्री मिथाइल पेंटेन अल, ठीक है जी। दिस इज द नेमिंग। आगे लिखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए बेटा, नेमिंग करो, जो क्लास में चल रहा है वही कंटिन्यू हो रहा है बेटा।
बोलो कुछ। फरनूर है इधर? फरनूर बोलो बेटा नेम। श्री ब्रोमो ओके। अगर आप उसको थ्री ब्रोमो कह रहे हो, अच्छा आपने यहां से नेमिंग स्टार्ट की नंबरिंग, क्यों? अभी तो बोला मैंने, अभी क्या बता के हटी हूं मैं, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप्स के साइड से वन नेमिंग स्टार्ट करनी है। अब बोलो दिस इज थ्री ब्रोमो, फोर फोर डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है जी, हो गया क्लियर? नेक्स्ट लिखें, चलिए इसका बताओ। जैकलिन बताएगी। हाँ जी जैकलिन बोलिए बेटा। जैकलिन इतना टाइम, वन कैसे हो जाएगा, वन तो किसी पोजीशन में नहीं है वो। क्लोरो अकेला नहीं है, उसके साथ सीओ लगा हुआ है, और ये ऐसे ग्रुप्स करवाए हुए हैं मैंने, आर सीओ सी एल एसिड क्लोराइड्स करवाए थे। दृष्टि थ्री फ्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है जी ओके, थ्री फ्लोरो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इसी में अगर मैं चेंज कर दूं, इसका बताओ, हाँ जी बेटा इसका बताओ, वंश क्यों? बोलो सहज, थ्री इथाइल, थ्री इथाइल है या मिथाइल है? इथाइल, और कौन बोल रहा है इथाइल? नहीं, बाकी इथाइल नहीं बोल रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, लॉन्गेस्ट चेन बन गई, आपने सामने बनाई होगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट निकल गया है, तो डेट इज थ्री मिथाइल। आगे कितने की चेन है? फाइव। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड, तो पेंटेनामाइड, ठीक है, सो डेट इज थ्री मिथाइल पेंटेनामाइड। हाँ जी इसका नेम बताइए।
इसका नेम बताओ। ब्यूटेन नाइट्राइड, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्डेड है, ब्यूटेन और साथ में आ जाना है आपका नाइट्राइल ग्रुप, सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ। कार्ब नाइट्राइल सेम है बेटा, नाइट्राइल ये आइसोसाइनाइड डिफरेंट होता है, उसमें एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, ये आइसोसाइनाइड हुआ। हाँ सेम सी ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी नेक्स्ट करें। अब अभी आपने सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, अगर आपके पास एक ही चेन में दो दो फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर हमने किसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, तो फिर हमने किसको सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें आपने देखा था कि एक तरफ क्लोरो था और एक तरफ सपोज एसिड था, सी ओ एच ग्रुप था, तो हमने सी ओ एच ग्रुप को प्रेफरेंस दी, क्लोरो को नहीं दी। ओके, बट इफ इन केस की एल्डिहाइड भी है और एसिड भी है तो मैं फिर किसको प्रेफरेंस दूंगी। ओके, तो अब हम प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहले ऑर्डर लिख लो, सबसे पहले वी विल बी प्रेफरिंग एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सबसे पहले प्रेफर करना है। फिर आ जाते हैं आपके सल्फोनिक एसिड्स, SO3H, ठीक है जी। ये दो तरह के एसिड्स हमने पढ़े हैं। इसके बाद हमारे आते हैं एक एसिड एनहाइड्राइड्स भी आते हैं, ठीक है। देन वी विल बी प्रेफरिंग एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन एस्टर्स, देन इज एसाइल क्लोराइड जो भी हम पढ़ के आए हैं, देन इज अमाइड NH2, अमाइड के बाद आते हैं ट्रिपल बॉन्डेड, आइदर सी ट्रिपल बॉन्ड N लगा हो या N ट्रिपल बॉन्ड C लगा हो, इन दोनों को हमने प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड, देन इज द कीटोन, ठीक है जी, देन इज द एल्कोहल ग्रुप, लास्ट में आपके आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो इसको याद करने का मेथड क्या है, एसिड पहले ले लो दोनों, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ये एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड और अमाइड, जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ चल रहा है, ये सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, देन सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ओ एच के साथ एल्कीन आएगा, फिर लास्ट में एल्काइन आएगा, ठीक है, हैं? ईथर्स नहीं हमने अकाउंट करने, अभी ईथर्स आपके आएंगे, लिख लो, कीटोन्स के बाद ही आएंगे, कीटोन्स के बाद ही आएंगे ईथर्स, ठीक है। ये मेन है, हम सारे इसमें काउंट नहीं करते हैं, जो मेन आपके आते हैं हम वही लेंगे। चलो निको, अब राइट डाउन वन स्ट्रक्चर, चलो इसका नेम बताओ बेटा, वंश क्या हो रहा है, वैभव, कर लिया। हाँ जी, पहले कितने की चेन बन रही है, 4 की, यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि इस अल्कोहल को कम से कम नंबर मिले। हाँ जी बोलिए, ब्यूट 3-in-2-O, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो,
चलिए इसका लिखो। हाँ जी डन बेटा। प्रेफरेंस आपको पता चल गया किसको देनी है, सबसे पहले किस ग्रुप को देनी है। एक ओ एच लगा, एक आई लगा, एक एनओ टू है। किस ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है? एल्कोहल को। एल्कोहल एसिड एल्डिहाइड दे ऑल आर प्रेफर्ड ग्रुप। ये सारे प्रेफर्ड ग्रुप हैं। जहां पर लगे होंगे बस आपको समझ आना चाहिए डैट दे द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, आइडो एनओ टू दे आर द साइड चेन सब्सटीट्यूएंट्स। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट होते हैं, बताया है ना आपको। हम पहले इनको लिखते हैं फोर आइडो। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये साइड चेन सब्सटीट्यूएंट्स हैं। हम पहले इनको लिखेंगे, दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप। आइडो नाइट्रो दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, दे आर साइड चेन सब्सटीट्यूएंट्स। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है वैसे भी, ओ एच है। हाँ जी बोलिए नेम। रमन नेम बोलो। थ्री आइडो फोर नाइट्रो। वेरी गुड। सो डेट इज अल्फाबेटिकली पहले आई आएगा, ठीक है, उसके बाद एन आता है। कितने की चेन है? सो डेट इज पेन टेन। किस पोजीशन पे है ओल? पेंटेन टू ओल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। अब इसमें एल्कीन भी लगी हुई है और नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, नाइट्रो नहीं सॉरी अमीन ग्रुप लगा हुआ है। हाँ जी नमन। That is यहीं से नेमिंग होगी, स्टार्ट नंबरिंग। हाँ जी क्या नाम है? अब इन बाद में लगता है, वर्ड रूट पहले आता है।
टू इन कैसे लिख लोगे आप? ब्यूट ब्यूट थ्री कैसे हो जाएगा? ये पहले वाला नंबर प्रेफर करते हैं हम, ब्यूट टू इन वन वन अमीन। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयडो नहीं है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए हमने डायरेक्टली वर्ड रूट से स्टार्ट किया है। और ये फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये सेकेंडरी पे पोजीशंस पे लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो अब। ठीक जी, डन। डन। नेमिंग हो गई है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं? विच टू फंक्शनल ग्रुप्स आर हियर? एक ही टोन है, दूसरा सहज ने पूछा था मेरे से, इथर पूछा था ना, इथर नहीं होते हैं आर ओ आर? ये सारा ग्रुप आर हो गया, ये ओ आर के नहीं? तो हमारे दो ग्रुप्स हैं, कीटोन एंड ईथर्स। प्रेफरेंस किसको देनी है? कीटोन्स को, ईथर्स को नहीं देनी है हमने। ठीक है, तो यानी कि ईथर हमारा कहाँ पर जाएगा? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने यहां से तो चेन स्टार्ट नहीं करनी है, ये हमारी चेन में नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसको साइड चेन कह रही हूँ तो डैट मीन्स ये मेरी चेन में नहीं आना चाहिए। किस तरफ मैं स्टार्ट करूँ कि लॉन्गेस्ट चेन बने? फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? यहां से 1 2 3 4 एंड 5, उस अकॉर्डिंग ये साइड में चला जाता है और ये साइड में चला जाता है। अब करोने में, अब ये इथर ग्रुप नहीं रहा है, ये कौन सा ग्रुप बन गया है? OCH3। अब आपने इसको इथर में नहीं काउंट करना है, अब ये कौन सा ग्रुप है? OCH3। CH3 कौन सा होता है? मिथाइल। अब आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है? मिथॉक्सिन। ठीक है,
अगर वो मिथाइल था तो ये ओ के साथ क्या बन जाता है, मिथॉक्सी ग्रुप बन जाता है, ऐसे मिथॉक्सी इथॉक्सी, ठीक है। चलिए अब नेमिंग करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ जी, क्या बन रहा है? टू मिथॉक्सी, आगे फोर मिथाइल पेंटेन थ्री ओन, ठीक है जी, क्लियर है? टू मिथॉक्सी फोर मिथाइल पेंटेन थ्री ओन, क्लियर है, ठीक है। अब यहां तक आपकी नेमिंग है, दैट वी हैव कंप्लीटेड। कल से हम इफेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने सिंपल एल्काइल ग्रुप्स की, ठीक है। इसके बाद जो आपके बेंजीन डेरिवेटिव भी होते हैं, जहां पर हम बेंजीन के साथ एक ग्रुप को आर को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बाय बेंजीन रिंग के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है बेंजीन रिंग, ओके। ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये कौन से कंपाउंड होते हैं? एरोमेटिक, ठीक है। एलिफैटिक कौन से होते हैं? जो आप लिख रहे हो CH3, CH2, CH2, ये सारे जो है ये एलिफैटिक है, जिसमें आप कार्बन लिख रहे हो, ठीक है। बेंजीन रिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑल दीज चेन्स। साइक्लोप्रोपेन्स भी लिखे थे हमने ऐसे करके, ये भी सारे एलिफैटिक ग्रुप्स आ जाते हैं, बट जिसमें बेंजीन रिंग आ जाती है, डेट आर एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन रिंग ऐसे हम शो करते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, यहां पर तीन अल्टरनेट बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स आते हैं, ओके। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, बट जब आप इसको किसी के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हो, जैसे आप मिथाइल ग्रुप लिखते हो CH4, मिथाइल ग्रुप को CH4 इज मिथेन, इसमें से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जब यहां पर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH, ठीक है। थोड़ा सा कल ओवरव्यू दे देंगे और कल के बाद हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेमिंग पार्ट इज ओवर नाउ।